इंडिगो के पटना स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या मामले में पटना पुलिस की थ्योरी को परिवार वालों ने नकार दिया है। रुपेश की पत्नी ने कहा है, मेरे पति किसी के साथ हाथापाई कर ही नहीं सकते। वो काफी सॉफ्ट नेचर के थे। मेरे और अपनी दीदी के साथ सभी बातें शेयर करते थे। पुलिस झूठी कहानी सुना रही है। रुपेश ने अगर मारपीट की तो पुलिस मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाए। किसी को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। परिजनों का कहना है कि नवंबर में एयरपोर्ट से घर के बीच कहीं भी रुपेश का सड़क पर किसी से विवाद नहीं हुआ था। घर लौटते समय एयरपोर्ट के सामने किसी बाइक के साथ रुपेश की कार की टक्कर, बाइक वाले से झंझट या मारपीट होती तो पहुंचते ही बताते। हत्याकांड को लेकर पुलिस की थ्योरी पर रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह भी यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से बेकार कहानी है। रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह का कहना है कि रोड रेज जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। एक्सीडेंट होता तो वो घर लौटते समय किसी को जरूर बताते। छोटा मोटा मामला हुआ होगा, इसके लिए कोई 40-45 दिन बाद हत्या नहीं करेगा। पुलिस असल मोटिव तक नहीं पहुंची। वहीं रुपेश के परिवार की मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच करवाई जाए। नहीं नहीं, हमको एकदम इसे एकदम हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग एकदम इससे संतुष्ट नहीं है, एक पैसा भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग दुर्घटना 29 तारीख को जो दुर्घटना था, जो कातिल का बयान है, उससे एक शब्द मैच नहीं कर रहा है। उस दिन 29 तारीख को हमसे भी बात हुई थी मेरे भाई को। हम उससे पूछे जब बाबू क्या हुआ, अरे लड़का सब था नवहिया दोगो, गाड़िया में पछुआ से देखने के लिए ठोक दिया, यही बात है। हम उतरे तब तक भाग गया सब। पुलिस कह रही है कि उन लोगों से बात नहीं नहीं वो सब देखिए, पुलिस कह रही है, उसका जो बयान दे रहा है पुलिस जो कह रही है, उस दुर्घटना पुलिस का बयान, वो कातिल का बयान से एक शब्द मैच नहीं कर रहा है। एक शब्द क्या लगता है, पुलिस किसी को बचा रही है? अब जिसको बचाए, पुलिस जिसको बचाए, देखिए ठीक है, हम ये भी बात मान रहे हैं कि कातिल सही है, लेकिन उसका बयान सही नहीं है। उसका बयान सही नहीं है, हत्यारा सही है, एसपी साहब सही जगह पर गए हैं, लेकिन बयान उसका गलत है। आपके कहने का मतलब है कि किसी और ने उससे हत्या करवाई? हाँ, करवाई है, उसी हाँ। को बचाने में। अच्छा दीदी, तो वो प्रोफेशनल किलर भी नहीं, और जिस तरह से हत्या हुई तो लगता अच्छा है। अच्छा देखिए, एक चोर, हम लोग का भी उम्र हो गया, एक चोर उसका जो दिमाग होता है दूसरा होता है, जो मर्डर करता है उसका भी उसका दिमाग दूसरा होता है। एक चोर फर्स्ट बार कैसे इतना गोली चला दिया, कहाँ से ट्रेनिंग लिया, कैसे चला दिया, कैसे हम इस बात को मानेंगे? क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे यही जो सीबीआई जांच हाई कोर्ट का निगरानी में हो, दूध के दूध पानी के पानी, हम लोग को भी शांति मिल जाएगा। उसका दुगो बच्चा है तो हम लोग जिंदगी अपना अच्छे से जिएंगे, टेंशन में नहीं जिएंगे। अभी तो हम लोग टेंशन में हैं जो कौना नली में कौना गली में कौना खाभी में चला गया, और कहाँ से ढूंढ़ बयान गलत गलत देने लगा, कैसे मानेंगे इस बात को? हम कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे।